नमस्कार आप सभी साथियों का। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, हम ब्रिज यानी कि अंडरपास जो कि रेल के नीचे से होकर गुजरता है, उसकी एक्सहिबिशन कर रहे हैं। ये इधर से निकलता हुआ इधर रोड पर मिलेगा। चलिए आपको नीचे एक्सहिबिशन दिखाते हैं। तकरीबन लाइट ट्रैक से और ब्रिज की जो नीचे डाउन लिया जाए वो 6 मीटर अप्रोक्स 18 फीट नीचे जाएगा। ये जिसे आप आमतौर पे फाउंडेशन बोलते हैं, ये सामने एक्सहिबिशन किया गया है। जैसा कि आप सभी साथी देख पा रहे हैं, वो जो लोहे की छड़ है करीबन हमारा 12 मीटर की लंबाई है उसकी, अप्रोक्स 24 से 25 फीट। ये इसलिए लगाई जाती है दोस्तों, ताकि जब जब ट्रेन ट्रैक से गुजरे और उसकी वाइब्रेशन से जो हमारी मट्टी है वो स्लाइड करके ब्रिज एक्सीवेशन में ना आए। और इसके बाद आप जो देख पा रहे हो, ये हमारे बोर पंप हैं। हम इतने डाउन जो खुदाई कर रहे हैं, उसकी वजह से जो पानी ऊपर आ रहा है उसको डिवाटर करने के लिए थ्रो आउट बाहर निकाल रहे हैं। करीबन 15 से 20 बोर हमारे को चलाने पड़ रहे हैं। अभी देखिए दोस्तों पानी की स्थिति क्या है, यहाँ टोटली बालू निकल रहा है। और ये आप सामने देख पा रहे हैं जो छड़ दीवारों की हैं, ये हमारी शेर की डलेगी। करीबन 24 से 25 फीट इन शीट पाइल की ऊंचाई है। और यहाँ फाउंडेशन खोदते वक्त देखिए बालू निकल रहा है। ये शीट पाइलिंग ट्रेन की वाइब्रेशन के होने के बाद जो मिट्टी का कटाव होने से रोकती है। और ये ग्रीन वाला जो आप पंप देख रहे हो, ये पानी के स्तर को नीचे करता है। तो बने रहिए हमारे चैनल पे आगे की वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।